हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ज्योति टेस्टी ट्रीट पर। आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रीट टाइप पाव भाजी। मैं इसमें कम मसालों का यूज़ करके बताऊँगी और स्वाद आएगा बिल्कुल बाहर जैसा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और ये रेसिपी यदि आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे आपको अपडेट्स पहले मिल जाए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पाव भाजी बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ पाव बटर। मसालों में मैंने लिया है 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच गार्लिक जिंजर पेस्ट, 1 चम्मच कस्तूरी मेथी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच नमक, 3 चम्मच पाव भाजी मसाला। सब्जियों में मैंने ली है शार्प चॉप की हुई प्याज, शार्प चॉप की हुई शिमला मिर्च, शार्प चॉप की हुई हरी धनिया, शार्प चॉप की हुई हरी मिर्च। देन मैंने लिया है गाजर, टमाटर, आलू, चुकंदर, इन सबको मैंने रफली चॉप कर लिया है और लास्ट में 3 नींबू। भाजी बनाने के लिए पहले हम सब्जियों को उबाल लेते हैं। सब्जियों में मैं ले रही हूँ गाजर, देन टमाटर, आलू, लास्ट में चुकंदर। इन सबको हमें उबालना है और उबालने से पहले मैं इसमें डाल देती हूँ 1/2 चम्मच नमक और इसमें हम 2-3 सीटी लगा लेते हैं। 3-4 सीटियों के बाद में देखिए हमारी सारी सब्जियां बहुत सॉफ्ट हो गई हैं और इसमें जो मैंने चुकंदर का यूज़ किया है उससे एक तो कलर बहुत अच्छा आएगा हमारी भाजी का, सेकंड आपको इसमें कोई भी फूड कलर यूज़ नहीं करना पड़ेगा और ये हेल्दी भी बहुत होता है। और देखिए मैंने पानी की जो मात्रा है वो बिल्कुल कम रखी है जिसमें ये सारी जो सब्जियाँ हैं अच्छे से उबल जाए। तो चलिए अब भाजी बनाना स्टार्ट करते हैं। भाजी बनाने के लिए आपको इस तरह की बड़ी कढ़ाई का यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि सारी सब्जियां अच्छे से कुक हो जाए। और मैंने इस कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी डाल दिया है और ये गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, इसको हम थोड़ा सा तड़कने देंगे और देन डालेंगे 1 चम्मच मक्खन। अब डालेंगे प्याज, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और इसको हल्का सा ब्राउन होने तक हमें अब पकाना है। प्याज हल्की हल्की सी ब्राउन भी हो चुकी है और सॉफ्ट भी हो गई है। इस स्टेज पर हम डालेंगे मिर्ची, शिमला मिर्च और अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। और इन सब्जियों को अच्छे से कुक करने के लिए मैं डालूंगी 1/2 चम्मच नमक। इन्हें हमें थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए वापस कुक करना है। 1-2 मिनट तक हमने प्याज और शिमला मिर्च को अच्छे से कुक कर लिया है। अब हम मसाले डालते हैं। पहले मैं डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। लाल मिर्च पाउडर, पाव भाजी मसाला 1 चम्मच और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को। एक मिनट तक मसालों को सब्जियों के साथ में अच्छे से कुक करने के बाद में अब मैं डालूंगी हमारी उबली हुई सब्जियां और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अभी ये सब्जियां अच्छे से मैश नहीं है तो हम इसे मैश करेंगे। मैश करने के लिए आप मैशर का यूज कर सकते हैं या फिर आपके पास नहीं हो तो आप बड़े चम्मच का यूज करके भी इसे मैश कर सकते हैं।
हमने देखिए सारी सब्जियों को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम लास्ट में इसमें और मसाले डाल देते हैं। वापस से मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, कस्तूरी मेथी, इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे भाजी के साथ में। थोड़ी सी धनिया स्वाद के लिए। यदि आपको इसमें पानी कम लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के इसे पका सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डाल देती हूँ और अब हमें इसे 10 मिनट तक अच्छे से पकाना है। 10-15 मिनट तक अच्छे से इसे ढककर पकाने के बाद में देखिए हमारी भाजी बिल्कुल तैयार है और अब हम इसे पाव के साथ में सर्व करते हैं। पहले हम अपने पाव तैयार कर लेते हैं। चलिए अब पाव को हम बटर में सेक लेते हैं। इसके लिए मैं इसमें डालूंगी बटर। देन धनिया, ये हमने जो भाजी बनाई है थोड़ी सी वो भी डाल दूंगी मैं। मैंने पाव को ऐसे दो पीसेस में कर लिया है और इसके बाद में इसको ऐसे मसाले के साथ में घुमा दूंगी और ऐसे ही हम इसको पीछे से भी अच्छे से घुमा देंगे। देन इसको यूं पलट देंगे और देखिए हमारे पाव बिल्कुल तैयार हैं। हमारी पाव भाजी बनके बिल्कुल तैयार है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। स्ट्रीट टाइप पाव भाजी बनाई है हमने, वो भी घर पर आसानी से। तो प्लीज इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा और यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू, बाय बाय।